मुझे माफ कर दो आका, मैं आपके किसी काम का नहीं रहा। मेरी सारी तिलिस्मी खुबत उस जादूगर जिब्रान ने तबाह कर डाली। उसने मुर्गे सादत के वो अंडे भी जला दिए होंगे आका। जिन्हें दौलत इस वक्त उस बदबख्त को भूल जाओ और ये प्याला अपने मुंह से लगाओ। पानी के दो घूंट हलक से उतरते ही तुम्हें कुछ हिम्मत आएगी, मायूसी की बातें करना भूल जाओगे। लो ये पानी पियो, लो। अब क्या हुआ? आका, मैंने आपसे खिदमत ली, आपके हाथों पानी पिया। इससे तो अच्छा होता कि मैं चुल्लू भर पानी में डूब मरता। मरने की बात मत करो, मरे हमारे दुश्मन। अगर मरना ही है तो अपने दुश्मनों को मार कर ही मरेंगे। आका, इस मायूसी भरे हालात में भी आपका हौसला कितना बुलंद है। मायूसी का मतलब है अल्लाह की जात और उसकी शान से ना उम्मीदी। मुझे खुदा से पूरी उम्मीद है कि वो अपनी शान करीमी से अपने बंदों की मदद जरूर करेगा। आका, आप इंसान हैं और इंसान हमेशा अपनी कुव्वत, बाजू और खुदा की मदद पर ज्यादा भरोसा करता है। इन हालात में अब मुझे भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए। तो फिर चले अपने भाई बिलाल और तुम्हारे भाई रियासत की ओर। ये कहने के बजाय आपको ये तिलिस्मी गेंद लुढ़का देनी चाहिए आका। शाबाश जिने दौलत, शाबाश। जिब्रान, बड़ों का नाम नहीं लिया करते भांजे, इसलिए जिब्रान नहीं मामू जान कहो। बड़े होकर बड़ों का अदब करना भी भूल गए। हमारा तुम्हारा रिश्ता आखिर मामू और भांजे का है। तुम्हारा हमारा रिश्ता तो उस दिन खत्म हो गया था जब तुम्हारे नापाक शैतानी इरादों के सबब हम दोनों भाइयों को अपना घर छोड़ना पड़ा। फिर भी तुमने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। हम दोनों भाइयों से मुर्गे सादत के तिलस्मी अंडे चुरा लिए। ऐ खुदगर्ज लालची इंसान, अब तुम्हारे चुराने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर क्यों आया मेरे पास? मुझे तेरे खून, तेरी कुर्बानी की जरूरत है। रुक जा जिब्रान, रुक जा। एक बेबस इंसान पर ये जुल्म मत कर। देखता नहीं आका बिलाल का अदा जिस पत्थर का है वो तुझसे मुकाबला नहीं कर सकते। मुकाबला तो तुम भी नहीं कर सकते जिन्हें रियासत, क्योंकि मैंने तुम्हारी कुव्वत को पहले ही खत्म कर दिया है। तुम दोनों आधे अधूरे होकर रह गए हो। हाथी मर भी जाए तो गधे से ऊंचा रहता है जिब्रान।
तक छीन कर अपनी जादूगरी पर इतना घमंड मत कर जिब्रान। आका ये क्या कर रहे हैं? तिलिस्मी अंडों की राख को बिलाल के खून का नजराना पेश करूंगा। मगर सामने ने कहा था कि खून के चंद कतरे में मुर्गे सादत के नजराने में पेश किए जा सकते हैं, फिर बिलाल को कत्ल करने की क्या जरूरत है? क्योंकि इस वक्त मेरे सर पर खून सवार है। बिलाल उसी खासिम लकड़हारे का बेटा है जिसकी बेवकूफी से शाह जिन्नात मेरे हाथों से निकल गया। बिलाल को कत्ल करके मैं कासिम से बदला लूंगा और मुझे वो खून भी मिल जाएगा जो तिलिस्मी अंडों की राख पर डालना जरूरी है। मगर ये तो सोचिए आका, लकड़हारा कासिम आपका बहनोई और बिलाल आपकी बहन जमीला का बेटा है। बेटा नहीं, सौतेला बेटा। मगर है तो बेटा ही, कुछ देर पहले आप भी बिलाल को अपना भांजा कह रहे थे। हाँ, कह तो रहा था। तो फिर आका, खून के जन कतरों के लिए किसी बेगुनाह को कत्ल करने से क्या फायदा? इस परिंदे से कुछ सबक ले जिब्रान, ये तुझसे ज्यादा अकलमंद और रहम दिल है। हैवान के जिस्म में इंसान है ये, और तू तो इंसान के जिस्म में शैतान है। ठीक है बिलाल, ये परिंदा मुझे बहुत अजीज है, इसके कहने से तुझे माफ किया। अगर मुझे तेरे खून के चंद कतरे दरकार हैं, इसलिए तुम्हारा खून लिए बगैर मैं यहां से नहीं जा सकता। तुम्हारी ये शर्त मुझे मंजूर है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे दोस्त जिन्ने रियासत को अपने तिलस्मी जादू से आजाद करना होगा। अब तू मेरे जिस्म से खून के चंद कतरे निकाल सकता है जिब्रान। अब मैं अपनी मंजिल से सिर्फ एक कदम दूर हूँ, तिलिस्मी परिंदे सिर्फ एक कदम दूर, और अब बहुत जल्द नया मुर्गे सादत मेरे हाथों में होगा। हाथों में होगा? और बेपनाह दौलत और रियासत मेरे कदमों में होगी। आका, मेरी बाई आंख भड़क रही है, लगता है आपको कोई याद कर रहा है। सामरी के सिवा मुझे और कौन याद कर सकता है? आका सामरी ने मुझे जरूर इस कारनामे की मुबारकबाद देने के लिए याद किया होगा। सामरी याद कर रहे हैं आका, देखिए मेरे आंखों में। जिब्रान, फौरन मेरे दरबार में हाजिर हो, वरना मुर्गे सादत हमेशा के लिए तेरी पहुंच से दूर हो जाएगा। तू बहुत बड़ी गलती कर बैठा है, जल्दी कर जिब्रान, जल्दी। फिर एक नई मुसीबत, पता नहीं ये मुसीबतें और परेशानियां मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही। आका, मामला वाकई बड़ा संगीन है, वरना आका ही सामरी यूं आपको याद न करते हैं। सामरी ही जाने मामला क्या है। आ चल, सामरी ने फौरन बुलाया है। बरसों बीत गए हमें अपने बच्चों से बिछड़े हुए, वो जवान हो गए
हम बूढ़े हो गए, हम पीछे पीछे और वो हमसे आगे आगे निकलते चले गए। देखा जाए तो यही दस्तूर है, बच्चे बड़े हो जाते हैं और जिंदगी के रास्तों पे आगे ही आगे बढ़े चले जाते हैं, यहां तक कि माँ बाप को पीछे बहुत पीछे छोड़ जाते हैं। बात तो सही है, मगर आज भी मेरे बच्चे मुझसे मिलने के लिए बेताब और बेचैन होंगे। न जाने मिलन की वो घड़ी अल्लाह कब दिखाएगा। चांद परी, तुम घबराओ नहीं कासिम, मिलन की वो घड़ी आन पहुंची है। सुभान अल्लाह, आज तुम्हारी आमद कितनी खुशगवार है, आज तुम हमारे लिए खुशियों की सौगात लेकर आई हो। खुशियों की इस सौगात के लिए हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं चांदी परी, मगर ये तो बताओ कि हम जलाल और बिलाल से कब, कहां और कैसे मिल पाएंगे। इस बार मैं तुम्हें किसी आजमाइश और इम्तिहान में नहीं डालूंगी, बल्कि तुम्हें तुम्हारी औलादों के पास ले जाऊंगी। ऐ चांद परी, तुम हम पर एक के बाद एक एहसान पर एहसान किए जा रही हो, भला मैं इन एहसानों का कर्ज कैसे चुका पाऊंगा। तुम मेरे एहसानों को कर्ज मानते हो, मगर मैं उन्हें अपना फर्ज मानती हूँ। सच तो ये है कि मेरे एहसानात तुम्हारे उन अजीम एहसानों के मुकाबले कुछ भी नहीं है जो तुमने मुझ पे किया था। मैं ये नहीं भूल सकती कि तुम्हारे सबब मुझे चांदी के गार से आजादी मिली थी। अल्लाह अल्लाह का शुक्र है, ये नेकी उसने मेरे नाम लिखी थी, वरना मैंने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं एक एहसान नवाज परी के काम आ सकूंगा। अब तुम्हारे काम आना मेरा काम है। तो फिर हमें बिलाल से और फिर जलाल से जल्द मिला दो चांद परी। अगर मैं तुम्हें जलाल और बिलाल से एक साथ मिला दूं तो? सच चांद परी, क्या ये मुमकिन है? मगर वो दोनों तो अलग अलग सिमतों में गए हुए हैं। जलाल बिलाल से मिलने के लिए निकल पड़ा है। और मैं तुम दोनों को उन दोनों से मिलाने के लिए ले जाने आई हूँ। आओ तुम दोनों मेरा हाथ थाम लो। गेंदियां कहां से आ गई? पता नहीं आका। आका, लगता है अपनी मंजिल आ गई। हाँ जिन्हें दौलत, अब मैं अपने भाई बिलाल से जरूर मिल सकूंगा। ये गेंद जरूर तिलस्मी गेंद है। चलो चलो भाई दौलत। बिलाल, भाई दौलत, भाई बिलाल, मेरे भाई जलाल भाई, मेरे भाई बिलाल, भाई रियासत, भाई दौलत, मेरे भाई बिलाल, भाई कैसे हो भाई दौलत? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो भाई? मैं भी ठीक हूँ, मगर मेरे आका, देखिए ना भाई जान, जिन गुलफाम ने मेरी क्या हालत बना दी है। मैं जानता हूँ भाई,
सब कुछ जानता हूं। अब तुम देखना मैं उस गुलफाम की क्या हालत बनाता हूं। अब मैं सोचता हूं कि अच्छा ही हुआ जो जिन्हें गुलफाम ने मेरा ये हाल कर दिया। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो भाई, कैसी बातें? ठीक ही तो कह रहा हूं भाईजान, अगर मेरी ऐसी हालत ना होती तो भला आप मुझे मिलने यहां आते? नहीं मेरे भाई नहीं, सच पूछो तो मैं तुमसे मिलने के लिए दिल ही दिल में बेचैन था। जिन्हें दौलत को तुम्हारा हाल मालूम करने के लिए मैंने भेजा भी था, तो आप मुझसे मिलने खुद यहां क्यों नहीं आए? आना तो चाहता था मगर एक भी दिन अगर गैर हाजिर रहता तो क्या होता? मैं बताऊं भाईजान? तो क्या तुम्हें सब मालूम है? हाँ सब मालूम है, मैंने भी तो जिन्ने रियासत को आपका हालचाल मालूम करने के लिए आपके पास भेजा था। ओ, तो ये बात है भाईजान, मैं जबीन कैसी है? तुम्हारी तरह वो भी हिलने डुलने से मजबूर है। मगर इस वक्त ये किस्सा मत छेड़ो। तो फिर कौन सा किस्सा छेड़ू? मेरे होने वाली भाभी यानी शहजादी हुस्नारा का किस्सा नहीं सुनाओगे? तो गोया आप भी सब कुछ जानते हैं? भाई भाई की खबर नहीं रखेगा तो कौन रखेगा पगले? अरे बैठिए ना भाईजान, देखिए ना बातों बातों में मैं आपको बैठने के लिए कहना ही भूल गया। जिन्हें दौलत तुम भी बैठो ना, सफर से थक गए होगे। ये भी चलते चलते थक गई थी। ये तिलिस्मी गेंद आपको कहां से मिली भाईजान? चांद परी, ये सब चांद परी की ही मेहरबानी है। इसी गेंद की रहनुमाई में तो हम यहां तक पहुंचे हैं। काश कोई गेंद मुझे गुलफाम तक सही सलामत पहुंचा पाती। तुम फिक्र मत करो भाई, गुलफाम को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उस बदबख्त ने अपने आप को क्या समझ रखा है? कमबख्त जलाल को बड़ा जलाल आ रहा है, मुझसे मुकाबले की बातें करता है। यह आदमजात बड़ी बेवकूफ कौम होती है, अपने भाई जलाल का हाल देखकर भी बेवकूफ को अक्ल नहीं आई। नादान इंसान, बिलाल को तो मैंने आधा पत्थर का बनाया है, तुझे तो मैं पूरा पत्थर का बनाऊंगा, सर से पैर तक पत्थर का। एक हकीर मामूली आदमजाद होकर जिनसे मुकाबले का ख्वाब देख रहा है, जबकि तुम्हारे पास जिनों की तिलिस्म में ताकत भी नहीं रही। तुम्हारे दोनों गुलाम जिन बेकार हो चुके हैं। फिर किस बलबूते पर तुम मेरा सामना करोगे? बिलाल ने हुस्नारा के इश्क में गिरफ्तार होने की भूल की, उसकी आधी सजा तो पा चुका है। अब हुस्नारा को मैं अपने कब्जे में करके इस किस्से को खत्म कर देता हूं। हुस्नारा मेरी महबूबा, मैं आ रहा हूं। आओ बेटी आओ। अस्सलाम अलैकुम अब्बा जान। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटी। आज बहुत दिनों बाद तुम अपने कमरे से बाहर निकल आई हो,
आज मैं बहुत खुश हूं। लगता है शाह फारान मुल्क बिलाल ने तुम पर जादू कर दिया है। अल्लाह मलिक बिलाल को उसकी मुहिम में कामयाबी अता करे, ताकि हम तुम्हारी शादी शाह फारान से कर सके। शादी होगी, जरूर होगी, शाह खुरासान शहजादी हुस्न आरा की शादी बिलाल से नहीं, मुझसे होगी, मुझसे होगी।